Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. Class 10th Science Sample Paper Term 2 के question number 4 के solution के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसे previous video आपने अभी तक नहीं देखा है तो complete playlist का link आपको मिलेगा description में, जहां पे आने वाले videos भी उसी playlist पे upload किए जाएंगे। Question number 4 क्या है, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें telegram पे join नहीं किया है तो उसे भी join कर लेंगे, जहां पे आपको इसके handwritten PDF solution मिल जाएंगे, साथ ही साथ other chapters के भी PDF notes provide किए जाएंगे। Question number 4 क्या है, राजेश observed a patch of greenish black powdery mass स्ट्रेट पीस ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड के ऊपर एक ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है? तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास होता है वो क्या होता है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड मॉल्ड। और वो मेनली रीजन क्या होता है, तो वो रीजन होता है राइजोपस के कारण। यानी कि एक अगर हम लोग आंसर लिखना चाहें तो हम लोग से पूछा है नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो ये होता है राइजोपस, है ना, राइजोपस। और उसके कारण क्या हो जाता है, ब्रेड मॉल्ड, है ना, ये क्या होता है, ब्रेड मॉल्ड हमें देखने को मिलता है। फिर हमसे पूछा एंड इट्स स्पेसिफिक मोड, और उसके स्पेसिफिक मोड को बताइए ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, है ना, क्या होगा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, दैट इज यहां पे होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा होगा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छी बात है। हमसे पहले क्या पूछा था, नेम द ऑर्गेनिज्म को हमने बता दिया राइजोपस, जिसके कारण ब्रेड मॉल्ड, वो जो आपका ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी जो आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, राइजोपस के कारण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल्ड। ठीक है, अच्छी बात है। स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है मेनली वर्क करता है, तो ये जो हम लोग का होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक मोड कौन सा है, तो इसका रिप्रोडक्शन का जो मोड होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। सेकेंड में पूछा है नेम्स इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा होगा कि ये जो आपका नीचे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्या दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बड़ा सा निकला हुआ है, ऊपर में कैप टाइप का बड़ा सा लगा हुआ है ना, मोटू सा बना हुआ है, तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं हाइफ। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हाइव। और वो जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ऊपर वाला जो गोला सा आपको देखने को मिल रहा है ऊपर में, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि होता है स्पोरोंगिया, है ना, स्पोरोंगिया, कहां मैं पहुंच गया, स्पोरोंगिया। ठीक है, हाँ, तो चलिए उसका भी नाम लिख लेते हैं। बी में क्या है हमारा, बी में वेजिटेटिव पार्ट, है ना, वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होगा, वही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, दैट इज हाइफ। क्या नाम है उसका, हाइफ, ये स्पेलिंग होता है ना। हाँ, इसका स्ट्रक्चर अगर हमसे कभी पूछ दिया तो हम लोग बोल देंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पूछा है, तो चलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसा कि आपको मैंने बताया स्पोरोंजिया, है ना, क्या होता है, स्पेलिंग कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है भाई, आप लोग देख लोगे। ठीक है, यही होता है ना, स्पोरोंजिया। और ये कैसा होता है, तो ये जो होता है वो आपको छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टीनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिगर को बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से और सिंपल फॉर्म में समझ में आया होगा। आपको हमारे वीडियोस कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, साथ ही साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके दोस्तों ने अभी तक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन नहीं किया है तो फटाफट से उनके साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।